सफ़ेद दाग या वाइटिलिगो एक तरह का स्किन डिजीज है। इसमें स्किन पर सफ़ेद रंग के दाग या धब्बे हो जाते हैं। हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो इस बीमारी से परेशान हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफ़ेद दाग क्या होता है, क्या इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के कुछ आसान तरीकों के बारे में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं स्किन पर सफ़ेद दाग क्यों होते हैं। हमारी स्किन का रंग मेलानिन नाम के पिगमेंट से रेगुलेट होता है और यह पिगमेंट मेलानोसाइट नाम के सेल बनाते हैं। कई बार किसी रीजन से ये सेल्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर सफ़ेद दाग या पैचेस देखने को मिलते हैं। यह किसी भी उम्र के इंसान में हो सकता है। यह शरीर के उस हिस्से पर होता है जहाँ की मेलानोसाइट सेल जल्दी और ज़्यादा प्रभावित होती हैं। सफ़ेद दाग या वाइटिलिगो होने के कई कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इसके कुछ प्रमुख कारणों के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहला रीजन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी वजह से मेलानोसाइट्स भी डैमेज होते हैं, जिनसे मेलानिन या स्किन का रंग नहीं बन पाता। सफ़ेद दाग या वाइटिलिगो होने का दूसरा कारण जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। अगर किसी इंसान के परिवार में वाइटिलिगो के रोगी हैं तो उसे भी सफ़ेद दाग होने की संभावना बढ़ जाती है। सफ़ेद दाग या वाइटिलिगो होने का तीसरा कारण हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी या हार्मोनल दवाओं के इस्तेमाल से स्किन के नेचुरल रंग पर असर पड़ता है। सफ़ेद दाग या वाइटिलिगो होने का चौथा कारण शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बढ़ना भी हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्किन के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और मेलानोसाइट को ख़राब कर सकता है। सफ़ेद दाग या वाइटिलिगो का पांचवा रीजन शारीरिक चोट, सनबर्न या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में सफ़ेद दाग को लेकर जो भी मिथ थे क्लियर हो चुके होंगे। अब जानते हैं कि हम इस बीमारी के इलाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सफ़ेद दाग का जड़ से खत्म होना या पूरी तरह से ठीक होना बहुत मुश्किल है। यह एक क्रोनिक कंडीशन है। अभी तक इसका कोई ऐसा इलाज मौजूद नहीं है जिससे यह पूरी तरह से ठीक किया जा सके, लेकिन कुछ आसान उपाय और तरीके हैं जो वाइटिलिगो के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी से परहेज करें, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, कॉस्मेटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके टेम्परेरली इसे छिपाया जा सकता है। सफ़ेद दाग या वाइटिलिगो में कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, ऐसे में उन्हें काउंसलर या डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर सलाह जरूर लेना चाहिए। वाइटिलिगो के पेशेंट को अपने खाने पीने में फल, सब्जियां, दाल, नट्स और दूध के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे वाइटिलिगो की प्रॉब्लम को सप्रेस करने में मदद मिलेगी। सफ़ेद दाग या वाइटिलिगो के उपचार के लिए मार्केट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स या ऑइंटमेंट मौजूद हैं, जो मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाने और डीपिगमेंटेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से कर सकते हैं, खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।